18 न्यूज चैनल अप नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। श्री कृष्ण वृद्ध आश्रम भवन निर्माण का भूमि पूजन 7 अप्रैल को दादा धाम में शिवलिंग निर्माण शुरू। 8 तक होंगे विविध कार्यक्रम। कटनी दादा धाम कॉलोनी झिझरी में बनने वाले श्री कृष्ण वृद्ध आश्रम भवन निर्माण का भूमि पूजन ग्रस्त संत देव प्रभाकर शास्त्री कथा जी के कर कमलों से रविवार 7 अप्रैल को सम्पन्न होगा। इसमें पूर्व 6 अप्रैल शनिवार को शिवलिंग निर्माण शुरू हुआ है और 8 अप्रैल तक यह कार्यक्रम विभिन्न आयोजकों ने बीच निरंतर जारी रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए फिल्म अभिनेता एप दधात जी के शिष्य आशुतोष राणा ने बताया कि कटनी में बनने वाले वृद्ध आश्रम में हर किसी के लिए द्वार खुले रहेंगे। आज के परिवेश में शहरीकरण वाले वातावरण में अधिकांश परिवारों से वृद्ध जनों को अपने ही परिवार में विमुख होकर घर से निकाला जा रहा है। उन पीड़ित दुखियारों वृद्ध जनों को आश्रय देने के पहल आज दादा धाम में एक वृद्ध आश्रम का निर्माण, जिसमें 25 कमरों के वृद्ध आश्रम में एक कमरे में 2 लोगों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी। वृद्ध आश्रम में एक विशाल हॉल आयोजित के लिए होगा। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा के लिए भी अलग अलग कक्ष का निर्माण हो रहा है। बुजुर्गों के लिए पुस्तकालय भवन भी उपलब्ध होगा। वही अभिनेता आशुतोष राणा ने राजनीति के सवालों पर जवाब कुछ इस तरह से दिया। चुनाव लड़ना सिर्फ चर्चाओं में, पत्रकारों से चर्चा के दौरान फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने स्पष्ट किया कि मैंने भी सुना है कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा खूब हो रही है। कोई इंदौर, कोई जबलपुर, कोई सागर तो कोई खजुराहो में से मेरी चुनाव लड़ने की चर्चा कर रहे हैं। चुनाव लड़ने की मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि दादाजी का आदेश होगा लोकसभा तो क्या जो भी चुनाव लड़ने का आदेश वे करेंगे वे मैदान में कूद पड़ेंगे और आप अपने एक दूसरे के मतों का आदान प्रदान करेंगे। क्या लोकसभा में परिवर्तन आएगा? क्या हम भैया जोशी तो है ना, मतदाता है, तो मतदाता के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 125 करोड़ आदमी सड़क का आदमी, 545 आदमी संसद में बैठता है। तो लोकतंत्र जो होता है वो सड़क और संसद की आपसी जुगलबंदी है। अगर सड़क संसद को ध्यान दे और संसद सड़क के ऊपर ध्यान दे तो सड़क भी सज जाएगी और संसद भी रोशन हो जाएगी। तो ये एक दूसरे को एक दूसरे के साथ ताल मिला के चलने का विषय है। इसका संबंध क्यों? क्योंकि हमारा मानना है कि देश के लिए दल होते हैं, दलों के लिए देश नहीं होते। तो हम और आप यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम और आप बात कर रहे हैं एक देशवासी की हैसियत से उस व्यवस्था के ऊपर जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, यानी आपकी ही व्यवस्था आपके लिए आपके द्वारा बनाई गई। प्राइम 18 न्यूज के लिए कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट।